हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आज हम अपनी क्विक रिवीजन सीरीज़ में इंडियन हिमालयस टॉपिक पे वीडियो लेके आए हैं और जो भी फैक्ट्स इस वीडियो में बताए जा रहे हैं इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो ध्यान से सुनेंगे और लास्ट मोमेंट पे एक बार और रिवाइज करके ही एग्जाम हॉल में जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और पहली बात कि हिमालयस का फॉर्मेशन को लेकर क्वेश्चन आता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हिमालयस जो है सबसे रीसेंट फॉर्मेशन है ओवरऑल इंडिया में, राइट, ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्शरी फॉर्मेशंस। टर्शरी फॉर्मेशन, टर्शरी वर्ल्ड भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि एमपीपीएससी बार बार रॉक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, राइट, एंड टाइम पीरियड के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, विच माउंटेन्स आर यंगेस्ट, विच आर ओल्डेस्ट, लाइक दैट, राइट। सो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। टर्शरी, टर्शरी में और क्या होता है, डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप का मतलब आप समझते हैं कि जो लावा जो कि डेक्कन एरिया पेनिनसुलर ब्लॉक यानी ये डेक्कन प्लेट्यू में आके स्प्रेड हो गया था, जिसके कारण आज ब्लैक सॉयल है मध्य प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में यानी मालवा प्लेट्यू निमाड़ रीजन में। सो बिकॉज ऑफ दैट डेक्कन ट्रैप इज द मेन कॉज यानी वोल्केनिक इरप्शन, और ये भी टर्शरी पीरियड का है, राइट। सो दीज आर द लेटेस्ट फॉर्मेशंस, और टर्शरी पीरियड में ही ये कोल भी मिलता है हमको जिसको लिग्नाइट कोल बोलते हैं, विच इज अ वेरी रीसेंट काइंड ऑफ कोल, इसलिए उसकी क्वालिटी भी डाउन होती है। तो पहला फैक्ट तो ये हो गया कि ये टर्शरी पीरियड यानी रीसेंट फॉर्मेशन है। अब दूसरी बात सर, ये अरावली रेंज आ रहा है, वेस्टर्न घाट्स आ रहा है, ईस्टर्न घाट्स आ रहा है, इनका क्या करें। देखिए पेनिनसुलर ब्लॉक जो है, पेनिनसुलर ब्लॉक इज द ओल्डेस्ट ब्लॉक, राइट। इस ब्लॉक में जो भी माउंटेन्स हैं वो ब्लॉक के बाद बने हैं, राइट, बट द लेटेस्ट फॉर्मेशंस आर द ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ग्रेट हिमालयन रेंजेस इंक्लूडिंग द ट्रांस हिमालयन रेंजेस। और ये कब बनता है, ये तब बनता है जब इंडिया स्ट्राइक करता है, इंडियन प्लेट स्ट्राइक करती है यूरेशियन प्लेट से और फॉर्मेशन शुरू होता है। जैसे आप ये देख पा रहे हैं 55 मिलियन 38 मिलियन ईयर्स अगो, 10 मिलियन ईयर्स अगो, सो इंडिया वॉज शिफ्टिंग ग्रेजुअली फ्रॉम साउथ सदर्न हेमिस्फेयर टू द नदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे स्ट्राइक होती है, पामिर नॉट बनती है, एंड देन हिमालयस का फॉर्मेशन होता है एज वेल एज द पूर्वांचल हिल्स। तो राइट साइड वाले फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरा का पूरा हिमालयस एक्सटेंड है, राइट। सो दिस इज द बेसिक आउटलाइन रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन्स हैं, राइट, एंड यहाँ पे थार डेजर्ट है, यहाँ पे सुलेमान रेंज ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे आपकी जो आती है पामिर नॉट आती है। तो यहाँ से ही सारे माउंटेन रेंजेस इमेनेट होते हैं यानी यहाँ से निकलते हैं, और लास्ट में यहाँ पे एक टिल्ट आ जाता है, एक टर्न आ जाता है हिमालयस में, जिसके बाद यहाँ पे ईस्टर्न और पूर्वांचल हिल्स उसका नाम दिया जाता है, जिसका मैक्सिमम पार्ट म्यांमार की तरफ एक्सटेंडेड है, इंडिया में पार्ट कम, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, मैं प्रोफाइल व्यू भी आपके सामने लेके आया हूँ, इसमें आप क्लियरली समझ सकते हैं। जैसे ये इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, उसके बाद हाइट इंक्रीज हो रही है, तो वी विल हैव शिवालिक जिसका नाम आपने सुना ही होगा, देन मिडिल और लेसर हिमालयस, राइट, ये बीच के मिडिल हिमालयस कहलाते हैं, देन ग्रेटर हिमालयस जिसमें हाइएस्ट पीक आपको मिलेगी माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी बोलते हैं। इसके बियॉन्ड जो भी रेंजेस हैं वो ट्रांस हिमालयन रेंजेस कहलाती हैं। इसके पहले की जितनी रेंजेस, ये फर्स्ट थ्री रेंजेस आपने पढ़ी, दीज आर कॉल्ड एज द हिमालयन रेंजेस, ये बात का ध्यान रखेंगे। सो हिमालयन रीजन्स में ग्रेट हिमालयन रेंज विच इज द कंसिस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर मिडिल हिमालयस, राइट, और फिर द आउटर हिमालयस और द शिवालिक। कैसे किसका नाम होता है वी विल सी डैट लेटर। लद्दाख रेंज, ट्रांस हिमालयन रेंज में लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और काराकोरम रेंज, ये तीन रेंज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लद्दाख रेंज का ही एक्सटेंशन है कैलाश रेंज, राइट, एंड विच इज़ बियॉन्ड बिहाइंड द हिमालय सेक्शन इन द तिब्बतन रीजन, और उसके पीछे आता है तिब्बतन प्लेट्यू विच इज़ अगेन एट दी हाइट। याद रखिएगा तिब्बतन प्लेट्यू इज एट दी हाइट ऑफ एवरेज हाइट ऑफ 4000 मीटर्स या 4 किलोमीटर्स, राइट। सो दिस इज द प्रोफाइल व्यू ऑफ द हिमालय, जिससे आपका सीक्वेंस कभी गड़बड़ाएगा नहीं, राइट। नॉर्थ टू साउथ अगर आपसे पूछ लेता है अरेंज करने, या ट्रांस हिमालयन में आपको अरेंज करने के लिए बोल देता है, तो भी आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि लेट्स क्लासिफाई द हिमालयस। देखिए सबसे पहले ग्रेट हिमालयस जो मैंने आपको बता दिया, ये हैं ग्रेट हिमालयस विच इज़ द लॉन्गर चेन, विच इज़ द लॉन्गर चेन ग्रेट हिमालयस, राइट। उसके बाद लेसर हिमालयस, दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि मेजर सेटलमेंट्स इंडिया में जो हैं वो इसी रेंज पर हैं, ओके। जैसे पीर पंजाल रेंज मैंने आपको नाम लेता हूँ, धौलाधर रेंज नाम लेता हूँ, नाग टिब्बा, राइट, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द लेसर हिमालयस। उसके बाद आउटर मोस्ट हमने शिवालिक देख लिया है, सो दिस आउटर रेंज इज द शिवालिक रेंज विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट ईस्टर्न साइड में ये थोड़े थिन हो जाते हैं नियर दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल रीजन, एंड वेस्टर्न साइड में ये ज़्यादा थिक होते हैं। ट्रांस हिमालयंस वी हैव ऑलरेडी सीन दीज थ्री
प्रीवियस पिक्चर में भी हमने देखा जस्काराकोरम, जस्कर लद्दाख एंड कैलाश, कैलाश लद्दाख का एक्सटेंशन है, वी हैव सीन दैट, एंड देन द पूर्वांचल इज जो कि ईस्टर्न हिल्स में नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन पार्ट में आते हैं। सो दीज इज आर द बेसिक क्लासिफिकेशन। अब इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, राइट। ग्रेट हिमालयाज, इनर हिमालयाज भी इनको बोला जाता है क्योंकि ये जो तीन रेंजेस बनी है उसमें सबसे अंदर है। हिमाद्री भी बोला जाता है इसलिए क्योंकि ये स्नो कवर्ड हैं, स्नो कवर्ड होने के कारण इन्हें हिमाद्री बोलते हैं। बच्चे एग्जाम में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हिमाद्री हम किसको लगाएं, हिमाचल को लगाएं, मिडिल वाले को लगाएं या इनर मोस्ट ग्रेटर हिमालयाज को। याद रखिएगा ग्रेटर हिमालयाज ही वो हिमालयाज हैं जो कि स्नो कवर्ड हैं, इसलिए इसका नाम हिमाद्री होता है। नदर मोस्ट रेंज है ग्रेट और इन हिमालयाज और हिमाद्री, इनको बोला जाता है स्नो कवर्ड है, हमने पढ़ लिया। इंडस गॉर्ज से ब्रह्मपुत्र गॉर्ज, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर पूछा जाए कि हिमालयाज का एक्सटेंशन कहाँ है, तो वेस्टर्न मोस्ट में इंडस गॉर्ज एंड ईस्टर्न साइड में ब्रह्मपुत्र गॉर्ज के बीच में दे आर टोटली एक्सटेंडेड। अगर आपसे बोला जाए हाईएस्ट पीक्स किस माउंटेन रेंज में है, तो भी ग्रेटर हिमालयन रेंज में ही सारी हाईएस्ट पीक्स आती हैं। एवरेज एल्टीट्यूड 6000 मीटर्स अबव है, राइट। जैसे कि आपने नाम सुना होगा गंगोत्री, राइट, गंगोत्री नाम सुना होगा, गौमुख नाम सुना होगा, जहाँ से आप बोलते हैं कि रिवर गंगा का सोर्स है यानी भागीरथी, राइट। तो वो ग्लेशियर से ओरिजिन होती है, ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है इसका मतलब वो ग्रेटर हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है। सिंपल सा आप एक लॉजिक लगा सकते हैं एग्जाम में टू मेक योर करेक्ट, टू टेक द करेक्ट आंसर। फोल्ड माउंटेन्स हैं, दीज आर द फोल्ड माउंटेन्स एंड असिमेट्रिकल इन नेचर। फोल्ड माउंटेन्स तो पूरे ही हिमालयाज हैं, असिमेट्रिकल इन नेचर का मतलब होता है अगर कोई फोल्ड माउंटेन इस तरह से है तो वो सिमेट्रिकल है, बट अगर कोई फोल्ड माउंटेन्स इस तरह से है तो सेंटर लाइन एक्सिस लाइन से, तो वो असिमेट्रिकल नेचर कहलाता है। इस तरह के टेक्निकल टर्म्स एग्जाम में देखने को मिलते हैं स्पेशली एमपीपीएससी में, क्योंकि दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द रॉक्स, और मेंस में भी उन्होंने जियोलॉजी का एक यूनिट ऐड कर दिया है, ठीक है। कोर पार्ट ऑफ द हिमालयस इज कंपोज्ड ऑफ, ग्रेटर हिमालयस कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। अब आप बोलेंगे सर ग्रेनाइट का मतलब क्या, देखिए रॉक्स तीन तरह की होती हैं आप सबको पता है, एक होती है इग्नियस रॉक, एक होती है मेटामॉर्फिक रॉक और एक होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। मोस्टली हम सब जानते हैं कि हिमालय सेडिमेंट्री रॉक से बनी है, बट कोर ऑफ द हिमालय, ग्रेटर हिमालय का सिर्फ कोर की मैं बात कर रहा हूँ, वो ग्रेनाइट से बना है जो कि एक इग्नियस रॉक है और बनती है क्वार्ट्ज प्लस फेल्डस्पार से। बस इतनी बात याद रख लेंगे आपका एग्जाम में काम हो जाएगा, ग्रेनाइट इक्वल्स टू क्वार्ट्ज प्लस फेल्डस्पार, ठीक है। ये भी पूछ लेता है ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक है, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी जो नीचे के शिवालिक्स हैं दीज आर लूजली बाउंड सेडिमेंट्स ओनली, और थोड़ा बहुत मेटामॉर्फिज्म हुआ है, सीधी सी बात है। क्योंकि देखिए अगर थोड़ा बहुत कोल अगर आप पढ़े होंगे तो कोल लिग्नाइट कोल जम्मू साइड भी मिलता है, राइट। सो फॉसिल सेडिमेंट्स हैं, प्रेशर और हीट के एक्शन के कारण वो कन्वर्ट हो गए हैं रिसोर्सेज में, ठीक है। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स रिगार्डिंग द ग्रेटर हिमालयाज। तो ये जो ग्रेटर हिमालयाज आप देख रहे हैं दीज आर द ग्रेटर हिमालयन रेंजेस। दूसरा सेक्शन मैं बताऊं कि लेसर और मिडिल हिमालयस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो देखिए पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं, महाभारत, इसको मैंने डिवाइड कर दिया है क्योंकि ये बहुत कंटिन्यूस चेन नहीं है, बीच बीच में थोड़े ब्रेक्स हैं, तो इसको वेस्ट टू ईस्ट हम इस तरह से अलग अलग नाम से जानते हैं, राइट। लेट्स सी सम फैक्ट्स अबाउट द लेसर और मिडिल हिमालयस। देखिए लोकेटेड साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयस हमको पता है, रन्स पैरेलल इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ऑल थ्री रेंजेस आर पैरेलल, राइट। एवरेज हाइट उससे कम है, वो 6000 मीटर थी ग्रेटर हिमालयस, ये 3700 टू 4500 है। विड्थ नियरली 50 किलोमीटर्स है। ये फैक्ट मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि एमपीपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। एक क्वेश्चन आपको आएगा वॉट इज द एवरेज हाइट ऑफ द मिडिल हिमालयस, ये एनसीईआरटी क्लास 9th का डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो मैं आपको स्लाइड में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आ सकता है, एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछता है। नियरली 50 किलोमीटर्स वाइड होते हैं। दूसरी बात, पीर पंजाल रेंज इसकी लॉन्गेस्ट रेंज है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज, क्योंकि बाकी भी रेंजेस हैं तो ये लॉन्गेस्ट हो जाती है सभी में। अदर रेंजेस आर धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं एंड महाभारत। महाभारत रेंज नेपाल में जाती है, देख सकते हैं आप। वापस मैं फिर फिगर दिखा देता हूँ, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, कुमाऊं और महाभारता रेंज। तो ये रेंज के नाम बस याद रखिएगा कि ये किसका पार्ट है, यानी मिडिल हिमालयस का पार्ट है।
दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये लॉन्गिट्यूडनल वैली क्रिएट करता है, इसमें कोई इशू नहीं है, वैलीज क्रिएट करता है। कश्मीर वैली जिसका आप लोग नाम सुनते हैं, यानी जहाँ पे श्रीनगर है, गुलमर्ग है, सारी चीज़ें, ये कश्मीर वैली में। सो इफ दिस इज़ ग्रेटर हिमालय एंड दिस इज़ योर पीर पंजाल रेंज, सो दिस इज़ द रीजन जहाँ पे ये सारे टूरिस्ट स्पॉट आते हैं एंड दिस इज़ द वैली जो आप कश्मीर वैली कहते हैं। ऐसे ही ये चीज़ें नेपाल में जाएंगी तो काठमांडू वैली कहलाएंगी, हिमाचल में कांगड़ा एंड कुल्लू वैली कहलाएंगी, राइट। और ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैलीज फेमस हैं जो कि टूरिज्म के लिए भी जानी जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है, डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है कि रानीखेत, एनसीईआरटी में डू यू नो सेक्शन में पूछा गया है कि रानीखेत किस हिमालयन रेंज का पार्ट है, तो आंसर वुड बी मिडिल हिमालयन रेंज। अदर एग्जांपल्स आर मसूरी, आपने सुना होगा, सिविल सर्विसेज अकेडमी वहीं है, लबासना जिसको आप बोलते हैं, शिमला अगेन, डलहौजी, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग इज इन द वेस्ट बंगाल ईस्टर्न साइड। ये जितने भी आपने मेजर हिल स्टेशन सुने हैं ये मिडिल और लेसर हिमालयस के हैं, याद रखिएगा, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको कि लेसर हिमालयस के बाद आउटर हिमालयस और द शिवालिक्स, शिवालिक्स के बारे में ये सबसे नीचे है, सो वी हैव कंप्लीटेड ग्रेटर देन मिडिल राइट एंड नाउ द आउटर और द शिवालिक्स। शिवालिक सदर्न मोस्ट रेंज है 900 टू 1100 मीटर, इसको याद कर लीजिएगा, लास्ट मोमेंट तक नहीं याद होता तो एग्जाम में जाने से जस्ट पहले एक बार और पढ़ लीजिएगा, ये वीडियो सुन लीजिएगा। विथ वेरी करती है 10 टू 50 किलोमीटर, 50 से कम रहेगी, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है ऐसी कौन सी हिमालयन रेंज है जो कि अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से बनी है, तो आंसर टिक करिएगा शिवालिक्स, राइट। एलुवियम भी है, थिक ग्रेवल भी, इसलिए आपने देखा होगा कि लैंड स्लाइड्स बहुत आते हैं इस रेंज में, शिवालिक्स रेंज में लैंड स्लाइड ज़्यादा आते हैं, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। लेंथ 2400 किलोमीटर, इट इज एक्सटेंडेड टू मच फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ऑल दो वेस्टर्न साइड पे थिकनेस ज़्यादा है, ईस्टर्न साइड में थिकनेस कम है। लेंथ 2400 किलोमीटर्स जो कि एवरेज हम लेंथ हिमालयस की भी मानते हैं। पोटवार प्लेट्यू इन पाकिस्तान से एक्सटेंड होता है, रावलपिंडी के पास पोटवार प्लेट्यू है पाकिस्तान में, और ब्रह्मपुत्र वैली तक एक्सटेंड होता है जो इन द असम स्टेट, असम एंड अरुणाचल प्रदेश। सो दिस इज द मेजर आउटलाइन अबाउट द ग्रेटर मिडिल एंड आउटर हिमालय, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डूंस, डूंस जो है ये शिवालिक्स, मिडिल हिमालय और शिवालिक्स के बीच में, अब वहाँ की वैलीज तो हम देख चुके हैं, कश्मीर वैली, कांगड़ा, कुल्लू, अब यहाँ पे मिडिल और शिवालिक्स के बीच जो बनते हैं वो कहलाते हैं डून्स। इसीलिए ईस्टर्न पार्ट में अगर ये चीज़ होगी तो वहाँ पे द्वार कहलाएगा और इसी का नाम आगे जाके हो जाता है देहरादून। तो आप हरिद्वार घूम रहे हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, तो इसका मतलब दून एरिया में आप ट्रैवल कर रहे हैं, यू आर ट्रैवलिंग बिटवीन द मिडिल एंड द आउटर हिमालयस। तो कोटली दून, पाटली दून, दीज आर द एग्जांपल्स। इसके अलावा शिवालिक्स के बेस में और शिवालिक्स में कौन कौन से स्टेशन और मेजर सिटीज़ हैं, तो जम्मू, उधमपुर, कथुआ, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, कांगड़ा, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, हरिद्वार, ऋषिकेश। हरिद्वार एंड ऋषिकेश आपको पता है, ऋषिकेश इज़ अ योगा कैपिटल ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये दोनों नाम से जाना जाता है। नैनीताल, चंडीगढ़, और ईस्टर्न इंडिया में यानी कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, डाफला, मिरी, अबोर एंड मिशमी, तो ये भी शिवालिक्स का पार्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स इज अ पार्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स, ये ऑप्शन आपको देख सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव भी आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ईस्टर्न पार्ट, हमने यहाँ पर हिमालयस की तीन रेंजें फिनिश कर ली हैं, अब हमारे पास ईस्टर्न हिल्स आ जाते हैं जिसका मैंने आपको बताया था मेजर सेक्शन म्यांमार में है। अब हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ में पटकाई बम है, तो देख लेते हैं, ईस्टर्न एक्सटेंशन लाइज बियॉन्ड द गॉर्ज ऑफ द दिहांग, दिहांग मतलब जब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर एंटर करती है तो विद द नेम दिहांग, जब इंडिया में एंटर करती है, इसको चाइना में सांगपो नाम से जानते हैं और आगे इसको ब्रह्मपुत्र भी बोला जाता है जब दिहांग दिबांग से मिल जाती है। सैंड स्टोन से बने हैं ये, जो कि सेडिमेंट्री रॉक से, मैंने आपको बताया था कि शिवालिक्स एंड पूर्वांचल आर टोटली सेडिमेंट्री रॉक्स, राइट। एंड इंडो म्यांमार हिल्स एंड अराकन यूमा हिल्स जो कि म्यांमार में हैं, वो सारे हिल्स पूर्वांचल हिल्स कहलाते हैं। पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो एग्जाम में आएगा अरेंज करने के लिए, ध्यान रखिएगा, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, पटकाई, नागा, मणिपुर, मिजो, तो मिजो हिल से रिलेटेड ब्लू माउंटेन्स एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। तो सीक्वेंस नॉर्थ टू साउथ याद रखिएगा, मणिपुर हिल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोकटक लेक है इसीलिए, राइट। देन पूर्वांचल इसको बोला जाता है, फोंगपुई भी बोला जाता है, ब्लू माउंटेन्स, ये दोनों नाम हैं मिजो हिल्स के हाईएस्ट पीक के, ये आपने एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सो दिस इज वेरी फेवरेट टॉपिक। इसके अलावा आपको फिगर में दिख रहा है गारो खासी जयंतिया, जो कि एक्सटेंशन है पेनिनसुलर ब्लॉक का मेघालय प्लेट्यू, और ये उसके हिल्स हैं, यहाँ पे इन्हीं तीन नाम से ट्राइब्स भी रहती हैं, प्लस यहाँ पे
चेरापूंजी एंड मौसिनराम हाईएस्ट रेनफॉल जोन यानी प्लेसेस भी लाए करते हैं, बट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द पूर्वांचल हिल्स। एग्जाम में ये गलती नहीं करिएगा। नेक्स्ट हाईएस्ट पीक्स देख लेते हैं कुछ हम, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में 8848, कहीं कहीं 8848.86 दिया है, कहीं कहीं 8850 दिया है, राइट। सो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आर देयर जिसके अकॉर्डिंगली बुक में इन्फॉर्मेशन हैं, बट ये इन्फॉर्मेशन मैं एनसीईआरटी से आपको दे रहा हूँ। कंचनजंगा इंडिया में 8598, राइट, हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज। मैंने यहाँ पे K2 क्यों नहीं यूज़ किया, इसीलिए नहीं किया क्योंकि K2 कंचन K2 इज़ काराकोरम रेंज, और काराकोरम रेंज इज अ ट्रांस हिमालयन रेंज। तो ध्यान देंगे इस वर्ड को एग्जाम में, ध्यान देंगे कि जब हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयाज बोल रहा है तो उसमें वो ट्रांस हिमालयन रेंजेस नहीं काउंट कर रहा है, राइट। सो K2 इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक, राइट, दैट इज करेक्ट, बट हिमालयाज की अगर सेकेंड हाईएस्ट देखूँ तो कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा एंड गुरला मंधाता। इसमें से जो इंडिया वाली हैं आप ये देख सकते हैं, कंचनजंगा, नंगा पर्वत विच इज़ द वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द हिमालयाज, देन नंदा देवी एंड कामेत ये उत्तराखंड रीजन में, नामचा बरवा इन द ईस्टर्न इंडिया। इनके नाम सिक्वेंशली याद रखिएगा कि अगर इंडिया की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो विच आर द टॉप 4 or 5 पीक्स, राइट। नेक्स्ट है, तो इस तरह से आपने देखा कि ये पामीर नॉट जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ से सारे माउंटेन्स एक्सटेंड हुए थे, तो काराकोरम, ट्रांस हिमालयन, देन लद्दाख बहुत क्लियरली दिख रहा है इस फिगर में, देन उसके बाद जस्कर, लद्दाख का ही एक्सटेंशन है कैलाश, और इसी के नदन स्लोप से निकलती है रिवर इंडस, एंड वहीं पर निकलती है सतलज रिवर, एंड देन वहीं से आपकी यहाँ पे सांगपुर रिवर भी निकलती है, राइट। और आपको पता है कि यहाँ से जो इंडिया का वाटर डिवाइड होता है वो इस तरह से फ्लो करता है, राइट। तो इसके ऊपर की सारी रिवर्स वेस्ट की तरफ जाती हैं जो कि पंच नद बनाती हैं यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे उत्तराखंड में पंच प्रयाग्स बनते हैं, ये भी दो वर्डों में कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, पंच नद एंड पंच प्रयाग, राइट। एंड ब्रह्मपुत्र एक्सटेंशन इन द नामचा बरवा इन द ईस्टर्न पार्ट, राइट। तो ट्रांस हिमालयन रेंज के बारे में जल्दी से मैं इन वेरी शॉर्ट बता देता हूँ। जस्कर रेंज जो है ग्रेट हिमालयन रेंज है, लद्दाख ग्रेट हिमालयन रेंज के नॉर्थ में है, लद्दाख रेंज के साउथ में, राइट। एंड लद्दाख रेंज जो है वो लेह वाले जोन में आती, लेह एंड लद्दाख आपको पता भी है, इट इज़ अ रीजन, राइट, अब यूनियन टेरिटरी बन गया है इट। एंड लद्दाख रेंज मर्जेस विद कैलाश रेंज इन तिब्बत, कैलाश रेंज जो शिव जी का अबोर्ड माना जाता है। देन कैलाश रेंज इज ब्रांच ऑफ द लद्दाख रेंज, माउंट कैलाश इज द हाइएस्ट, एंड रिवर इंडस ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नदन स्लोप्स ऑफ द कैलाश रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रिवर इंडस इसके नदन स्लोप से ओरिजिनेट होती है। काराकोरम के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज द बैक बोन ऑफ हाई एशिया, कृष्णगिरी भी बोला जाता है काराकोरम रेंज में। इसकी हाईएस्ट पीक K2 है जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है इन दी वर्ल्ड, और इसका नाम गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है जो ब्रिटिशर्स इसको बुलाते थे। सो डैट्स हाउ वी हैव वेरी क्विकली समराइज्ड द हिमालयन सिस्टम अलॉन्ग विद द ट्रांस हिमालयन रेंजेस एंड द पूर्वांचल हिल्स। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो रिवाइज डेली कर रहे हैं बट टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हैं, तो प्लीज़ टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, और लास्ट 15 डेज बचे हैं, जल्दी जल्दी FLTs लगाइए, जो फैक्ट्स आपको नहीं आते हैं उन्हें आप मेमोराइज कर लें, राइट। और लास्ट मोमेंट पे कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 क्वेश्चन ज़रूर आप लगा के ही जाएं अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो, राइट। और जितने भी अभी तक मैंने आपको फैक्ट्स बताए हैं तो उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, स्पेशली द हिमालयन सिस्टम। एक बार वीडियो सुनने के बाद आंख बंद करिएगा और फिर सारी चीज़ें इमेजिन करिएगा कि कहाँ किसकी पर्टिकुलर पोजिशनिंग है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करें, इस पर कमेंट करें अगर आपको नेक्स्ट अच्छा वीडियो चाहिए किस टॉपिक पर चाहिए, एंड शेयर ज़रूर करें विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।